सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सीसीए में आपका स्वागत है। हम अभी उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट पे हैं और लगभग ये तय है कि इकरा हसन ये चुनाव जीतने वाली है। समाजवादी पार्टी के यहाँ से उम्मीदवार, ईसी की वेबसाइट के हिसाब से लगभग 65,000 की काउंटिंग बची है और 68,000 से इकरा हसन आगे हैं, तो अब कुछ बहुत ही ज़्यादा बेमानी करनी पड़ेगी उनको हराने के लिए। तो इकरा जी, आपकी जीत पर आपको बहुत बहुत मुबारक। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है इकरा जी, क्योंकि ये आसान चुनाव तो नहीं था? बहुत चुनौतियाँ आई और इस चुनाव के दौरान हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जितनी मेहनत हुई उतनी ही मीठी ये जीत भी महसूस हो रही है। तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, खासकर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपना आशीर्वाद वोट के रूप में दिया और भाजपा को यहाँ से हराने का जो सिलसिला है उन्होंने शुरू किया, तो उनका सभी का दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और ये जीत भी उन्हीं के नाम है। आपने क्या इसी मार्जिन को एक्सपेक्ट किया था कि लग रहा है कि अब लगभग 65 से 70 के बीच की आपकी जीत होने वाली है, क्या आपने यही मार्जिन एक्सपेक्ट किया था, थोड़ा बड़ा किया था ईमानदारी से अगर आप बता सकते हैं? जी लगभग इतने के अंदाजे में ही किया था और जीत है, थोड़ी हो ज़्यादा हो तो बस उसी की हम लोग सब शुक्रगुजार हैं कि यहाँ से हम जीत पाए। और अब उम्मीद है कि जो काम हमारे लोगों के रह गए थे, जो जिस तरीके से उनकी आवाज़ उठाई नहीं जा रही थी, तो वो सब करने का हम प्रयास करेंगे। इकरा जी, एक बड़ा सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर जब जयंत चौधरी जी अचानक एनडीए के साथ चले गए, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक मायूसी सी छा गई थी, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष जो था उसमें एक मायूसी छा गई थी, लेकिन पहले चरण को ही अगर हम देखें फिलहाल तो ऐसा लग रहा है पहले चरण की जो 8 सीटें थी अभी तक ये लग रहा है कि शायद भाजपा और उनका गठबंधन सिर्फ 2 ही सीट जीत पाएगा पहले चरण में, अभी तक जो नज़र आ रहा है। आपने मतलब क्या उम्मीद, कैसा आप लोगों के लिए, कैसे आप लोगों को कैसा लगा था जब जयंत जी उधर चले गए थे और उसके बाद से कैसे ये चुनाव फल? बिल्कुल एक झटका हमें महसूस हुआ था क्योंकि उनका दल काफ़ी प्रभावी है, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो, और इतने वक्त से समाजवादी और लोकदल के लोग इकट्ठे संघर्ष कर रहे थे, यहाँ से किसानों की आवाज़ को बुलंद करने का हमने साथ में काम हम कर रहे थे, तो जब एकदम से चुनाव से कुछ महीने पहले उन्होंने जब भाजपा में शामिल होने का काम किया तो काफ़ी परेशानी दिक्कत महसूस हुई, लेकिन हमने हिम्मत हौसले से काम लिया और कोशिश करी कि अपने ही माध्यम से लोगों तक पहुँचें और उन्हें जोड़ने का काम करें, और जो भाजपा के खिलाफ जो विरोध था और जो ना भाजपा के जो अभी पिछले पूरे 5 साल में जो उनका कार्यकाल रहा है जिससे पूरी जनता परेशान है, तो उससे हमें लोगों को जोड़ने के लिए एक आसानी हुई और सब जुड़ते चले गए और सबने अपना आशीर्वाद दिया। ज़रूर मुश्किल रहा शुरू में, लेकिन फिर धीरे धीरे आसान भी हुआ। इकरा जी, कैराना, मुजफ्फरनगर या पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। 2013 में एक ऐसा दंगा हुआ था जो पश्चिम यूपी ने देखा नहीं था इतना बड़ा, खास करके कैराना मुजफ्फरनगर ने तो कभी नहीं देखा था, शामली मुजफ्फरनगर ज़िलों ने। 2014 का चुनाव भी हमने तब बहुत करीबी से देखा था और शायद ये दिन आएगा किसी ने सोचा नहीं था। उस पूरे उतार चढ़ाव से क्या अब आपको लगता है जो एक खाई बनी थी उस दंगे के बाद, क्या अब वो खाई पूरी तरह से किसी ना किसी रूप में अब वो काफ़ी हद तक पट गई है वो खाई? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल हमें लगता है कि अब जो धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर जो एक विभाजन भाजपा ने पैदा करा था हमारे इलाके में, वो काफ़ी हद तक भर चुका है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप देखेंगे तो ये चुनाव है अपने आप में। हमारी जो सीट है इसका समीकरण ऐसा है कि अगर ये चुनाव हम धर्म के या जातियों के आधार पर लड़े तो कभी नहीं जीत सकते, ये चुनाव तभी जीत सकते हैं जब 36 बिरादरी का साथ हो, और आज जब हम जीत रहे हैं तो इसका यही तात्पर्य है कि सभी ने साथ दिया है और सभी का आशीर्वाद रहा है, हर बिरादरी हर वर्ग का, और बदलाव के लिए सबने वोट किया है। तो ये बदलाव की जो भावना है ये एकता के रूप में जो उभर कर आई है हमारे इलाके में, तो इससे जो पुरानी खाई थी वो पटने का काम हुआ है। और उसी के साथ मैं जल्दी से ये सवाल जोड़ूंगा कि पिछले 10 सालों में इस इलाके में बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं,
चाहे दलित आंदोलन हो चाहे किसान आंदोलन हो, उसका असर इस चुनाव में कितना देखने को मिला है? बेहद देखने को मिला। जो किसानों को पिछले 2 साल से सरकार नकारे जा रही है, एक बड़ा आंदोलन चला, उसके बाद से भी हमारे खुद के ज़िले में 3 महीने का धरना चला और लगातार जो इनकी समस्या है उसकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई समाधान भाजपा नहीं कर पा रही है, तो उसका एक आक्रोश था जो वोट में तब्दील होने का काम हुआ। और साथ ही जो एक 400 पार का इन्होंने जो नारा दिया था उससे मुझे लगता है कि हमारे दलित समाज में एक जागरूकता फैली कि ये संविधान बदलने की ओर कदम है और उसके विरोध में उनके 4 उम्मीदवारों ने बोला भी 400 पार इसलिए चाहिए ताकि हम संविधान बिल्कुल बदल सकें। और ये बात जैसे जैसे लोग इस बात को समझते रहे तो उसी तरीके से हमें दलित वोट बहुत भारी मात्रा में मिला और मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमने उन्होंने अपनी कोशिश में कम से कम अपनी सीट को बचाने का काम किया। मेरा आखिरी सवाल, मेरा आखिरी सवाल, आपके समर्थक नहीं तो मुझे पीट देंगे अब, मेरा आखिरी सवाल है, एग्जिट पोल देखने के बाद कितनी मायूसी हुई थी और आज के नतीजे जो सिर्फ यूपी में ही नहीं लेकिन पूरे इंडिया गठबंधन के लिए जो आ रहे हैं उसके बाद आपको क्या लग रहा है? एग्जिट पोल और अभी तक का जो बीच का 3 दिन का फासला था, एग्जिट पोल से कंफ्यूजन जरूर पैदा हुआ था लेकिन हम लोग क्योंकि धरातल पर अपनी अपनी जगह पर सबने काम किया था तो हमें उम्मीद यही थी कि एग्जिट पोल बिल्कुल झूठे हैं, फरेब है, ये एग्जिट पोल नहीं है और वही आज साबित भी हुआ। और बस यही है कि अब उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें निकल कर हमारी सरकार भी बने। आपकी जीत के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी हम अभी कैराना लोकसभा में हैं, यहाँ से कुछ देर में अभी इकरा जी के समर्थकों से भी बाहर बात करेंगे, फिर शायद मुजफ्फरनगर भी जाएंगे। सीसीए के साथ जुड़े रहें, याद रखें जो हमने कई इंटरव्यूज में कहा था, ओपिनियन पोल्स मत देखिए, यूपी में एक बदलाव आने वाला है। ये बार बार हमने अपनी वीडियोज में जब हम पूरा उत्तर प्रदेश घूमे थे यही बात हमने अपने दर्शकों को बार बार दिखाई बताई भी थी, जिसको लेकर कई लोगों ने हमारी निंदा भी करी लेकिन वही चीज़ आज सच साबित हो रही है। जुड़े रहें सीसीए के साथ, धन्यवाद।